Oh दोस्तों कैसा लगा आप सभी का आज का प्रिव्यूज डीजे स्टेटस वीडियो आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का डीजे स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं अपने फोटो या किसी और के फोटो से तो आप सभी बस इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा ओके तो चलिए दोस्तों हम यहां से बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल में से स्काइन मैसेज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते मैंने पहले से स्काइन मैसेज एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हो तो अब आप लोगों को न्यू पे टच कर देना ठीक है न्यू पे टच करने के बाद दो नंबर में आप लोग देख सकते नव अनुपात सोलह इस नव अनुपात सोलह पे क्लिक करके नीचे क्रिएट पे क्लिक कर देना है क्रिएट पे क्लिक कर देने के बाद अब आप सभी को सबसे पहले सेटिंग पे जाना है एडिटिंग पे जाना है और ऊपर में आप लोग देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट फोटो ड्यूरेशन ओके तो आप लोगों को इसको घटा करके यहाँ से जीरो दशमलव तो चार सेकेंड पर रखना होगा ठीक है उसके बाद नीचे देख सकते हैं जो फोटो डिस्प्ले मोड है तो आप लोगों को इसको फिल स्क्रीन में करके कट इस पेक क्लिक करके बैक आ जाना है ओके उसके बाद अब आप लोगों को मीडिया पैक क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड्स अब आप लोग जिसके भी मेजर फोटो से बनाना चाहते हैं आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों इमेज को एड करना होगा ठीक है चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं जो इमेज को एड कर लेता हूँ तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कम से कम सोलह फोटो को एड करना होगा ठीक है देख सकते दो तो यहाँ पर मैंने सोलो फोटो को एड कर लिया हूँ सोलो फोटो एड हो जाने के बाद अब आप सभी को कटिस पे क्लिक करके बैक आ जाना ठीक है उसके बाद दोनों उंगलियों को पकड़ कर जूम करना है और स्टार्टिंग में आ जाना है लेयर पर क्लिक करना है मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से अब आप लोगों को म्यूजिक को ऐड करना है ठीक है तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने म्यूजिक को ऐड कर दिया तो आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा म्यूजिक एड हो जाने के बाद अब आप सभी को इस तरीके से नीचे स्क्रोल करते जाना और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ऑडियो का ऑप्शन ठीक है तो आप लोगों को इस पर कर क्लिक करके ऑडियो को बाहर निकाल देना है और इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है बोले के स्क्रीन वीडियो को उसके बाद दोनों उंगलियों को पकड़ के जूम करना है और फर्स्ट वाले फोटो का ड्यूरेशन आप लोगों को दोस्तों कुछ इस प्रकार से जीरो वाट से पच्चीस सेकंड तक कर देना ठीक है उसके बाद आप जितना जो पंद्रह फोटो बचा है सभी को आप लोग को बीट के हिसाब से इस तरीके से मैच करना होगा ठीक है देख देखते दोस्तों यहाँ पर मैं जिस प्रकार से मैच कर रहा हूँ आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर सभी फोटो को जो पंद्रह फोटो बचा है उन सभी पंद्रह फोटो को आप लोगों को बीट के हिसाब से मैच करना होगा ठीक है देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मैचिंग कर रहा हूँ अगर आप लोग को इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को एक बार प्ले कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत आसानी से बहुत ईजी के आप लोग तरीके से समझ जाइएगा कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों को इसको कट लगाना है ठीक है देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो सभी को यहाँ पर बीट के हिसाब से मैच कर दिया ठीक है उसके बाद अब आप लोग दोस्तों जो लास्ट वाला फोटो है सोलामा फोटो इसका डोरेसन दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ तक कर देना ठीक है देख सकते हैं जीरो दशमलव सात सात दशमलव नौ सौ चौवालीस सेकेंड तक कर देना होगा ठीक है उसके बाद अब आप लोगों को मीडिया पर क्लिक करना और दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से करना क्या एक म्यूजिक को एड करना है नहीं सॉरी दोस्तों आप लोग यहाँ पर वीडियो क्लिप को ऐड करना होगा तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं जो वीडियो क्लिप को ऐड कर देता हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वीडियो क्लिप को ऐड कर दिया हूँ वीडियो क्लिप ऐड हो जाने के बाद अब आप लोग कुछ इस प्रकार से वीडियो क्लिप पर टच कर देना है और दोस्तों आप लोग को यहाँ पर पेन एंड जूम के ऑप्शन पर जाकर करके इसको आप लोग को यहाँ पर फुल स्क्रीन में करके लॉक कर देना ठीक है लॉक हो जाने के बाद अब आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक बार वीडियो को प्ले करना होगा ठीक है तो चलो दोस्तों यहाँ से एक बार वीडियो को प्ले कर लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार से आ देना ठीक है दस दशमलव चार से तीन सेकंड पर आ जाना और वीडियो क्लिप पर टच करके कहीं चीप पर टच करके ट्रिम राइट कर देना होगा ठीक है उसके बाद आप लोगों को मीडिया पर क्लिक करना है और दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से एक इमेज को ऐड करना है तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने को इमेज को ऐड कर लिया इमेज एड हो जाने के बाद अब आप लोगों को इस इमेज का डोशन कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक कर देना है ग्यारह दशमलव सेकंड तक कर देना है उसके बाद मीडिया पर क्लिक करना और फिर से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक वीडियो क्लिप को और एड करना है तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं जो एक और वीडियो क्लिप को एड कर देता हूँ देख सो दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो क्लिप को एड कर दिया उसके बाद अब आप लोग कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा देख सकते ज़्यादा हो चुका है तो आप लोग इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कम कर देंगे ठीक है तेरह दशमलव आठ से पचासी सेकंड तक रखना है उसके बाद फिर से मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को फिर से एक और इमेज को एड करना है तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने इमेज को एड कर लिया इमेज एड हो जाने के बाद अब आप लोगों को इस इमेज का रोडन कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ तक कर देना है चौदह दशमलव सात से छियालीस सेकेंड तक कर देना है उसके बाद अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा मीडिया पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और दोस्तों फिर से आप लोगों को एक और वीडियो क्लिप को ऐड करना तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने उस वीडियो क्लिप को यहाँ पर ऐड कर दिया दे। दोस्तों तो फ्रेंड्स आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते रहे दोस्तों देख यहाँ पर मैंने वीडियो क्लिप को ऐड कर दिया हूं। उसके बाद अब दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से फिर से इसी पर टच करना है पेन एंड जूम के ऑप्शन पर जा करके इसको दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फुल स्क्रीन में करके यहाँ से लॉक कर देना होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्योंकि एक बार और वीडियो को प्ले करना कि कहाँ से हमारा जो है बीट आ रहा है ठीक है तो आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाना देख सकते हो तो दोस्तों सोलह दशमलव छः सौ तिरासी सेकेंड पर आ जाना और वीडियो क्लिप पर टच करके कैची पर टच करके ट्रिम राइड कर देना उसके बाद मीडिया पर क्लिक करके और दोस्तों अब आप लोगों के यहाँ से एक राउंड वाले वीडियो को एड करना तो चलो दोस्तों यहाँ मैं यहाँ से राउंड वाले वीडियो को एड कर देता हूँ देख सो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार का राउंड वाला वीडियो बनाया अगर आप लोग कुछ इस प्रकार का राउंड वाला वीडियो बनाना चाहते हैं अपने फोटो से तो आप लोग उस वीडियो का लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से इस प्रकार का राउंड वाला वीडियो बना सकते हैं तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने राउंड वाले वीडियो को एड कर दिया राउंड वाले वीडियो एड हो जाने के बाद

अब आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाना है अठारह दशमलव एक सौ तिरानवे सेकंड पर आ जाना है रन वाले वीडियो पर टच करके इसको ड्यूरेशन आप लोगों को इस प्रकार से कम कर देना है उसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है और दोस्तों आप, आप लोग अपने फोटो वाले के गैलरी में चले जाइए और यहाँ से दोस्तों आप लोगों को इमेज को एड करना होगा ठीक है तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं जो है इमेज को एड कर लेता हूँ तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कम से कम फिर से सोलह फोटो को एड करना होगा कम से कम सिक्सटीन फोटो को एड करना है देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने कर दिया हूँ उसके बाद जितना जो आप लोगों ने सोलह फोटो अभी जो एड किया था उन सभी फोटो का एडोरेन कुछ इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को इस प्रकार से बढ़ा देना है देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिस तरीके से बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा डोशन बीट के हिसाब से आप लोगों को मैचिंग करना होगा ओके तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो ना सभी फोटो को बढ़ा रहा हूँ जितना जो मैंने लास्ट मेट किया था सभी को यहाँ पर डोशन थोड़ा सा इस प्रकार से मैंने बढ़ा लिया आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर बढ़ा देना होगा ठीक है बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देख देख सकते यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया उसके बाद यहाँ पर एक एक फोटो कम हो चुका था इसको भी यहाँ पर मैं जो है ऐड कर लेता हूँ उसके बाद आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा कट कर देना होगा ठीक है कट हो जाने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से करना क्या कुछ इस प्रकार से वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाना है आने के बाद फर्स्ट वाले इमेज पर टच करके क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और कैम मोशन में जाकर सेक वाले को लगाना ठीक है उसके बाद जो इमेज आ रहा है उस पर टच करना है क्लिप ग्राफिक्स में जाना और दोस्तों होलोबिन पार्टी में जाकर छः नंबर को लगाना फिर से अगला वाले इमेज पर टच कर देना है और आप लोग को पार्टी में जाकर छः नंबर को लगाना फिर से अगला मैच पर टच करके होलोबिन पार्टी में जाकर छह नंबर को लगाना फिर से अगला मैच पर टच कर देना होलोबिन पार्टी में जाके छे नंबर को लगाना तो अब आप लोगों को होलोबिन पार्टी में जाकर छः नंबर वाले को क्लिपग्राफिक्स आप सभी को दोस्तों यहाँ तक ऐड करना देख सकते छः दो सौ नौ सौ चौबीस सेकंड तक ऐड कर देना है उसके बाद फर्स्ट वीडियो क्लिप के पहले जो फोटो है उस पर टच करना है क्लिपग्राफिक्स में जाना है और कैम मोशन में जाकर सेक वाले को लगाना है ठीक है उसके बाद फिर से वीडियो क्लिप के बाद जो इमेज आ रहा है उस इमेज पर टच करके किग्राफिक्स में जाना है कैम मोशन में जाकर सेक वाले को लगाना है ठीक है फिर से वीडियो क्लिप के बाद जो इमेज है उस पर टच करके किलोग्राफिक्स में जाना है कैम मोशन में जाकर के सेक वाले को लगाना है ठीक है उसके बाद फिर से वीडियो क्लिप है उसके बाद जो राउंड वाले वीडियो के बाद जो फोटो आ रहा है जितना लास्ट में उस पर टच करके क्लिप ग्राफिक्स में जाना है होलोबिन पार्टी में जाकर के यहाँ से Premises, दस नंबर को लगाना फिर से अगला मैच पर टच करके होलोबिन पार्टी में जाकर दस नंबर को लगाना ठीक है तो अब आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से लास्ट में जितना जो फोटो बचा है इन सभी फोटो पर होलोबिन में जाकर दस नंबर वाले को केलोग्राफी से आप लोगों को लगा देना होगा ठीक है दस दोस्तों यहाँ पर मैं जिस प्रकार से लगा रहा हूँ आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से जितना जो फोटो लास्ट में सभी फोटो पर आप लोगों को लगा देना होगा ठीक है इन सभी फोटो पर लगा दीजिएगा उसके बाद आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग एक बार और आना है लेयर पर क्लिक करना है मीडिया पर क्लिक करना और दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से करना क्या होगा एक इफेक्ट वीडियो को एड करना है चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने एड कर दिया तो आप लोगों को इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड लीजिएगा इफेक्ट वीडियो एड होने के बाद स्प्लिट स्क्रीन में जाकर व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है और बैक जाना है नीचे ब्लेंडिंग और आप लोग स्क्रीन इसको इसको कर लेना है स्क्रीन करने के बाद इस इमेज के लास्ट में आ जाना है और इस इफेक्ट पर टच करके कैसी पर टच करके ट्रिम ट्रिमराइड करना है उसके बाद फिर से इसी इफेक्ट पर टच करना है थ्रीड पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट निकाल देना और दोस्तों आप लोग इसको खींच करके फर्स्ट वीडियो क्लिप के बाद जो यहाँ पर फोटो है वहाँ पर आ जाना और इसका डोरसन आप लोग कुछ यहाँ तक कर देना ठीक है फिर से इसी इफेक्ट पर टच करके थ्रेड पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट निकाल देना और दोस्तों आप लोगों को फिर से यहाँ पर लगाना वीडियो क्लिप के बाद जो इमेज है वहाँ पर आप लोगों को इसको यहाँ से इस तरीके से लगा देना ठीक है लगाने के बाद आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को कट लगाना फिर से इसी पर टच करके थ्री पर क्लिक करके इसको आप लोग को डुप्लीकेट निकाल कर दोस्तों आप लोगों को फिर से यहाँ पर देख सकते जो इमेज है वीडियो क्लिप के बाद यहाँ पर तेरह दशमलव आठ सौ छियासी वहाँ पर आप लोग इसको लगा देना लगाने के बाद अब आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ठीक है आप लोग देख सकते हैं अठारह दशमलव एक सौ तिरानवे सेकंड पर आ जाइएगा उसके बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और अब आप सभी को कोई से एक इफेक्ट वीडियो को एड करना होगा ठीक है तो चलो यहाँ पर फिर से मैंने एक और इफेक्ट को एड कर दिया हूँ तो आप लोगों को इसको भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोडलोड कर लीजिएगा फिट के जाने के बाद स्प्लिट स्क्रीन में जाकर व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में करके करने जाना है ब्लेंडिंग में और आप को इसको स्क्रीन कर लेना है स्क्रीन करने के बाद अब आप लोगों को एक बार और वीडियो का स्टार्टिंग में जाना है लेटर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके और दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से फिर से एक और इफेक्ट प्लस टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर दोनों जो जन इसी में है तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया तो आप लोग इसका भी लिंक मिलेगा इसी डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद इसको भी स्प्लिट स्क्रीन में जाकर व्हाइट वाले बक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है नीचे बैक जाना है एक बार नीचे जाना ब्लेंडिंग में और आप लोग इसको भी स्क्रीन कर देना है स्क्रीन कर देते ही अब दोस्तों आप सभी के लिए आज का वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत पसंद है मैं लगा हुआ तो आप सभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो जो भाई नी विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर बस सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हम इसी तरीके की वीडियो जब भी कोई डालेंगे तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के मोबाइल में पहुँचे ओके तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के एक नेक्का मोबाइल की बहुत बेहतरीन और धमाकेदार ट्रेंडिंग डी वीडियो एडिटिंग के साथ